हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कल की रॉ में हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंटेशन देखने मिल सकता है। दोस्तों, तो कल होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के बाद का रॉ, और ये रॉ काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर ने जीता WWE चैंपियनशिप, और अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक्स ऑल मैच कन्फर्म हो चुकी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की एट रेसलमेनिया। तो कल की ड्रॉ में क्या हमें ब्रॉक लेसनर एट रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन देखने मिल सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट हम बात करेंगे बॉबी लैशली के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एलिमिनेशन चेंबर के स्टार्ट में ही बॉबी लैशली चले गए थे उस मैच से, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थियोरी को उन पर पावर बॉम्ब कर दिया था। बट रिपोर्ट्स ये आई थी कि बॉबी लैशली ऑलरेडी डील कर रहे थे शोल्डर इंजरी से, और उसकी वजह से ही उन्हें उस मैच से जल्दी निकाला गया। उसके बाद बॉबी तो आए नहीं, बट ब्रॉक लेसनर वो मैच जीत गए और जीत गए WWE चैंपियनशिप। अब दोस्तों, एलिमिनेशन चेंबर के बाद बॉबी लैशली ने ट्विटर पर अपनी पिक डाली है ऑफ एलिमिनेशन चेंबर विद WWE चैंपियनशिप, और कैप्शन लिखा है ... मतलब उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि बॉबी लैशली इस इंजरी की वजह से 3-4 महीने तक बाहर रह सकते हैं, बट साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बॉबी लैशली जितने टफ है तो वो जरूर काम करेंगे रेसलमेनिया में, बट टाइम भी बताएगा कि बॉबी लैशली के साथ क्या होता है। बट ये हमें पता चलेगा कल की रॉ में कि क्या कल की रॉ में हमें लैशली देखने मिलते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे केविन ओवेंस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि काफी रिपोर्ट्स ये चल रहे हैं कि हमें रेसलमेनिया 38 में द हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने मिल सकता है, और उनकी मैच हो सकती है प्रोबेबली केविन ओवेंस के साथ। तो दोस्तों, ट्विटर में एक पर्सन ने केविन ओवेंस को ये पूछा कि तुम्हारे थॉट्स क्या है टेक्सिस के ऊपर, स्पेशली विक्टोरिया टेक्सिस के ऊपर। उस पर केविन ओवेंस ने ये कहा कि ये काफ़ी लेम प्लेस है, मतलब ये काफ़ी बकवास प्लेस है, और स्पेशली विक्टोरिया टेक्सिस इसलिए पूछा उस पर्सन ने क्योंकि स्टोन कोल्ड जो है वो विक्टोरिया टेक्सिस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर केविन ओवेंस ने इनडायरेक्टली शॉट ले लिया है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ऊपर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब जब रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है, तो क्या कल की रॉ में हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने मिलते हैं, और क्या हमें केविन ओवेंस और उनके बीच कन्फ्रंटेशन देखने मिलता है। अगर ऐसा होता है तो काफी मजा आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है कल की रॉ में। अब दोस्तों, बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से। एलिमिनेशन चेंबर में WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक्स ऑल मैच बुक हो चुकी है एट रेसलमेनिया 38। और दोस्तों, WWE ने कंफर्म किया है कि कल की रॉ में ब्रॉक लेसनर होंगे मौजूद। अब दोस्तों, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या WWE डायरेक्टली ब्रॉक वर्सेस रोमन की ही तैयारी करते हैं, या फिर बीच में ब्रॉक की राइवलरी किसी और के साथ भी होती है बिफोर रेसलमेनिया। अगर डायरेक्टली रोमन रेंस के साथ ही राइवलरी शुरू हो जाती है कल के रॉ से, तो हमें ये देखने मिल सकता है कि रोमन रेंस कन्फ्रंट करते हैं ब्रॉक लेसनर को कल की रॉ में, और हमें इन दोनों के बीच में एक प्रोमो या फिर कुछ एक्शन देखने मिल सकता है। मैं ये तो कन्फर्म नहीं कह रहा कि रोमन रेंस कल की रॉ में 100% आएंगे ही, पर चांसेस अब थोड़े से बढ़ते हैं, क्योंकि अब जब टाइटल वर्सेस टाइटल मैच कन्फर्म हो चुकी है रेसलमेनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी मैच है, तो WWE बुक कर सकते हैं रोमन रेंस को कि वो रॉ में आए एंड कन्फ्रंट करे ब्रॉक लेसनर के साथ। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हमें इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फिजिकलिटी देखने मिल सकती है। मैं तो होप करता हूँ कि जैसे रेसलमेनिया 34 में इनकी बिल्डअप थी, जहाँ पर हर रॉ में ये लोग ब्रॉल कर रहे थे, वैसे ही कुछ हमें देखने मिले इस टाइम भी बिफोर रेसलमेनिया। लेट्स सी क्या होता है कल की रॉ में। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर कि आप भी होंगे। तो आपसे भी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए कल के रॉ के लिए एंड रेसलिंग बादशाह के वीडियो के लिए भी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि कल की रॉ में बॉबी लैशली होंगे? सेकंड, क्या आप रेडी है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ग्रैंड रिटर्न के लिए? एंड थर्ड, क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंटेशन होगा कल की रॉ में या फिर नहीं? सो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह।
Peace out.